काला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह, क्या बात है। बोनस की। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अब न्यूज़ और मैं हूं नायला भट्टी। खबरों का आगाज करते हैं। साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाफिज अली हसन कसूरी की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी मोहम्मद मुनीर साहिवाल डिवीजन के फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। साहिवाल फर्टिलाइजर एसोसिएशन का खसूसी हंगामी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें साहिवाल डिवीजन के सदारत का सेहरा चौधरी मोहम्मद मुनीर ऑफ सगीर कारपोरेशन के सर बांधा गया। तीनों अजला पाकपतन उकाड़ा और साहिवाल के खाद डीलरों ने मुतफिका तौर पर चौधरी मोहम्मद मुनीर के सदर बनने पर इतफाक जाहिर किया। इससे कबल मुतअद्दिद नाम ज़ेर गौर लाए गए और इजलास में काफ़ी देर तक नामों पर गौर किया जाता रहा, लेकिन फिर अचानक सबने मिलकर कहा कि चौधरी मोहम्मद मुनीर अरसा दराज से डीलर्स की कानूनी और इखलाकी जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने हर मौका पर हिकमत की गैर दोस्त किसान पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। किसानों के हकूक की जंग में भी उन्हें माशी तहफ़ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर उनकी मदद की। इस मौका पर शुरका ने मजीद कहा कि चौधरी मोहम्मद मुनीर ने गुज़श्ता अदवार में हुकूमत और किसानों के दरमियान पुल का किरदार अदा किया है। हम यही चाहते हैं कि सदारत के मनसब पर ऐसा शख्स मौजूद हो जो किसान के मामलात से मुकम्मल आगाही रखता हो और हुकूमत ऐवानों में किसानों की जंग लड़ने का जज्बा रखता हो। इजलास के आखिर में तमाम डीलरों ने चौधरी मोहम्मद मुनीर को मुबारकबाद पेश की और उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। रिपोर्ट हाफिज अली हसन कसूरी, ब्यूरो चीफ अब न्यूज़ साहिवाल।